At 11 AM we left for Kyoto. 3.5 hours की जर्नी थी, बहुत लंबी थी। सो पहले हमने ली बस to go to the station. That was a 1 hour journey. फिर वहाँ से हमने ली कैब, 35 minutes की जर्नी थी to another station, जहाँ से हमारी बुलेट ट्रेन डायरेक्ट जाने वाली थी क्योटो। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम था बुलेट ट्रेन में, एंड बुलेट ट्रेन जाती है 320 किलोमीटर्स पर आवर। बहुत ज़्यादा स्पीड है। बट जब हम लोग उस ट्रेन में बैठे, लगेगा भी नहीं आप लोगों को ये 320 किलोमीटर्स पर आर के स्पीड से जा रही है। हमने स्टेशन से टैक्सी ली, हमारे होटल पहुंच गए, चेक इन किया, फटाक से हम लोग निशिकी मार्केट गए बिकॉज दैट वाज द फेमस मार्केट इन क्योटो। यहाँ के नॉर्मल जो टैक्सीज होते हैं उनके दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलते और बंद होते हैं। ये क्रेजी चीज है क्योंकि हमारे इधर भारी भारी गाड़ियां होती है, उनमें ऐसे फीचर होता है रुक देख। बट ये क्रेजी चीज है ना। थैंक यू मेरे ब्लॉग। अरे बट तू देखा कि दरवाजा कैसे, तू व्लॉग छोड़ना, तू दरवाजे का टेक्नोलॉजी अप्रिशिएट करती नहीं है। व्लॉग क्या, उससे पैसा मिलता है मेरा। चल अभी मार्केट आया, मार्केट घूमते हैं। तो मिथलेश ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा मार्केट है, तेरे लिए सब कुछ है। उधर जाके मैं देख रही हूँ ड्राइड फिश, नॉर्मल फिश, स्ट्रीट फूड में ऐसे फंकी ऑप्शन थे कि हम लोग नहीं खाते हैं, मैं नहीं खाती, मिथलेश भी नहीं खाता है। लिटिल स्ट्रॉन्ग स्मेल था उधर, तो मैंने मिथलेश को बोला की नहीं मुझे नहीं देखने के। बट थोड़ी सी हमने शॉपिंग की, सुविनियर्स ली, और वहाँ से हम लोग गए खाना खाने बिकॉज हम लोग ने कुछ भी खाना नहीं खाया। यस, एट 5 PM हम लोग ने हमारा लंच किया। उधर हम लोग ने खाया अनियन रिंग्स, मोज़ेरेला स्टिक्स एंड पास्ता, और डेजर्ट में हमने चॉकलेट केक खाया। इट्स अ प्रॉपर फर्स्ट डे इन क्योटो और लेट मॉर्निंग हो गई है। अभी हम जा रहे हैं किमोनो डालने को। मैं किमोनो डालने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने अभी तक माचा आइसक्रीम और रामेन ट्राई नहीं किया है जो इधर की स्पेशलिटीज है। मेरे पास है और 3 दिन। इधर जापान में आपके रूम पे कुछ नहीं होता है, तो नीचे से सब कलर करके ऊपर जाके रखना होता है, विच इज वेरी गुड। जैसे की ये ईयरबड्स, ये है रेजर, ये है बॉडी टॉवल, ये है हेयर ब्रश। आपके हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो ले लो। ये जापान में मैंने यूनिकनेस। आज के आउटफिट पे मैंने इधर का फेवरेट कलर ग्रीन डाला। मुझे लगता है इन लोगों का फेवरेट कलर ग्रीन है बिकॉज इन लोगों को माचा बहुत पसंद है। तो मैंने डाला है स्वेटर, जीन्स, बैग आज कैरी कर रही हूँ क्योंकि इसमें मेरे आउटफिट्स हैं जो मिथलेश के शूट के लिए लगने वाले हैं। ये मुझे फ्री में मिला बैग। बाय द वे कल मैंने कुछ तो शॉपिंग किया, उस पर मेरे को ये फ्री में मिला। और मेरा स्लिंग बैग जो हर जगह मुझे लेके जाना ही होता है, इसमें मेरे पासपोर्ट, मेरे पैसे, मेरा सैनिटाइजर, और मैंने ये नया वॉलेट खरीदा। मुझे बहुत डिफरेंट लगा है। तो ऐसे खोलने के बाद ये ऐसे खुलता है, बेसिकली का बॉक्स बन जाता है। वेरी क्यूट एंड गुड परचेस। और मैंने कल एक लिपस्टिक ली जिसपे मैंने खुद का नाम लिखवाया, विच इज अगेन क्यूट बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम किया है। मैंने सोच रहा है ये क्या पका रही है लोगों को। अभी निकलते हैं ना, तो उसको बहुत लेट हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं रेंट करने को द ट्रेडिशनल जापानीज आउटफिट। मैंने बहुत डोरेमोन देखा है कि मुझे मालूम है दूर से ही विदाउट जापानीज पड़े बार-बार का दुकान है। डोरेमोन में होता है यार ऐसे, उनके दुकान के बाहर ऐसे गोल गोल घूमता है। इधर के रस्तों पे कोई भी नहीं है यार, पूरा शांत है, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। पता है कौवे का भी आवाज नहीं आ रहा है। इधर पीसफुल एरिया का, बहुत ज्यादा पीसफुल और शांतता है, मेरे को अच्छा लगा। उधर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसके लिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट लिटरली 1 घंटा लगा हम लोग को रेडी होने के लिए। ओके गाइज, मिथलेश ने मुझे अभी देखा नहीं है इस आउटफिट में। वो मेरे सामने खड़ा है, मैंने उसको बोला आंख बंद करने को, उसका रिएक्शन देखते हैं। मिथलेश खोल, कैसे लग रही है? तो कैमरा बाजू में कर यार, मैं कैसे दिख रही हूँ? ये देखो, ये भी एकदम चिकना लग रहा है। ये देखो गाइस, ये मस्त है तेरा, ये ऊपर का फूल मस्त दिख रहा है। इधर की लगती हूँ ना, इधर की है। बोलेगा क्या मैं जापानीज नहीं हूँ? गाइस कैसे लग रही है कमेंट में बताओ। बैग भी दिया उन लोगों ने, चप्पल भी दिया, ये फुल पहना। मेरे को नहीं मिला चप्पल, ये मेरा साइज ही नहीं मिला, साइज ही नहीं है। और ये हेयर स्टाइल किया उनके जैसा, और ये फूल लगाया। बहुत टास्क है किमोनो डालना, इजी नहीं है। 1 घंटा लगा, मेरी भी वाट लगी लगाने में। ये आउटफिट पहन के फिर हम लोग गए फुशिमी Inari. Fushimi Inari is very famous for its thousands of torii gates. These torii gates are very huge. This place is very beautiful and peaceful. सब लोग उधर से ट्रेडिशनल रास्ते से जा रहे हैं, और मिथलेश मुझे कोई सुनसान जगह पे लेके आया बिकॉज उसको रिकॉर्ड करने का है। इधर तक तो सुनसान नहीं है, वो बोल रहा है इधर से अंदर जाने का है, उधर उसको जाके शूट करने का है। ये जान इस पे लगा रहा है। ये फॉरेस्ट के अंदर आ गई, कुछ नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है इधर। लोग है, देखो मेरे बाजू में मुझे गाड़ी दिख रही है, इधर लोग रह रहे हैं। देखो बाजू में आदमी वो काम कर रहा है। ये देखो कितना बड़ा स्पाइडर है। वो बीच में ये ग्रीन वाला स्पाइडर, हाँ वही है। ओह माय गॉड, कैन वी लीव फ्रॉम हियर? कैन वी? इट्स वेरी स्कैरी। सब शूट खत्म होने के बाद हम लोग गए माचा आइसक्रीम खाने। माचा आइसक्रीम बहुत दिनों बाद अभी मुझे आइसक्रीम खाने मिल रहा है। मिथिलेश देता नहीं है खाने। इधर का स्पेशलिटी है माचा। उसका पता है ग्रीन टी। ग्रीन टी आइसक्रीम हाँ खाएगा। दो लेते हैं एक ही बाइट लो, हेल्दी चीजें नहीं खाएंगे। ठीक है आइसक्रीम फाइनली मिल गई है। और ये भी एक स्वीट लिया है मैंने, जापानीज गुलाब जामुन। बहुत हेल्दी और बहुत यम्मी है। तुझे पसंद नहीं आएगा। ठीक है ग्रीन टी है। गाइस अगर तुम लोग को आइसक्रीम का मजा उठाना है प्लीज माचा मत खाओ, बट हेल्दी है तो तू खा सकती है। भर भर के आइसक्रीम दिया है। कंजूस गिरने क्या? कंजूस नहीं, मैं वनीला आइसक्रीम खा रहा हूं, इसके बाद मेरे से ये होगा नहीं। ऐसे जापानीज लोग ऐसे चलते हैं किमोनो में। फुल जापानीज बन गया उर्मिला। वापस कर वापस कर। आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो गोजाइमास। कोनिचिवा। कोनिचिवा। आउटफिट्स रिटर्न कर दिए हम लोग ने क्योंकि 5 बजे तक का टाइमिंग था, तो 2 से 5 बजे तक 3 घंटा बस आउटफिट डाला। अच्छा लगा। अभी खाने जा रहे। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। हमने सूप पिया टमाटो एंड कैरेट का, उसके बाद ये स्टार्टर का नाम मुझे नहीं पता, एंड देन खाया रोटी और पनीर। खाना खाने के बाद हम लोग गए होटल रूम पे। होटल रूम पे क्रेजी कुछ तो हुआ। हमारे मिथिलेश साहब ने फर्स्ट टाइम ऐसा पराक्रम किया है, मुझे लगता है जो किसी ने नहीं किया होगा। गाइस ये चादर फाड़ दी है। अभी आप सोचोगे फाड़ दिए मतलब नॉर्मल वे में फाड़ दी होगी, वैसा नहीं। ये जो सुपर ग्लू होता है सुपर ग्लू, वो गिरा दिया इस पे। तो क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। हाँ तो मैं सुपर ग्लू लगा रहा था, गलती से सुपर ग्लू मेरे हाथ पे लग गया। तो हाथ पे लग गया मैं पैनिक हो गया, बाथरूम चला गया। और यहाँ पे जो सुपर ग्लू की बॉटल थी वो नीचे गिर गई, पूरे चादर पे बॉटल गिर गई। उसके बाद वो इतने चिपक गई कि उसको मैं निकालने गया सुपर ग्लू को, तो ये ऊपर की चादर ही फट गई पूरी। और मेरे को बहुत टेंशन हुआ है। तो इसको टेंशन आया कि अभी गद्दी का भी चार्जेस लगाएगा, बेड का भी लगाएंगे क्या और कितना होगा, उसका टेंशन है। एक्चुअल टेंशन है। हमारा शिक्षक आया है। अभी बर्गर खाएंगे फिर उसके बाद नीचे जाएंगे और उनको बताएंगे कि देखो गाइस कांड हो गया, और मस्त डांट खा के आने वाले। चलो अरेगा तो होता है। क्योटो से आज हम शिन-टकाओका जा रहे हैं नोबिता डोरेमोन पार्क देखने के लिए, जहां हम देखने वाले हैं रियल लाइफ स्टैचूज ऑफ नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, सुनियो एंड जियान। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। सो शिन-टकाओका जाने के लिए हम लोग को 2 ट्रेन करनी पड़ी। फर्स्ट ट्रेन हमने इतनी घाई घाई में पकड़ी। हम लोग लिटरली ट्रेन छुट्टे छुट्टे पकड़ी है। इस बार हमने थोड़ा खाना लाया, ब्लैक कॉफी लाया, बट ठीक है। पिंपल टोमेटो क्या डिजाइन बन रहा है, क्या परफेक्ट है। अभी 2 घंटे की राइड है। इधर जोर से बात करना अलाउड नहीं है, बाइक में इधर बात करना ही अलाउड नहीं है। अगर आप ट्रेन में बैठते हो तो भी मैं शूट कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं धीरे बोल रही हूँ। दूसरे ट्रेन के साथ कुछ ऐसे हुआ। लिटरली हमारे सामने ट्रेन थी और हमने हमारी ट्रेन मिस कर दी। मतलब हमारे पास टिकट्स नहीं थे, तो टिकट काउंटर गए, उधर टाइम गया। उधर की लेडी भी बहुत अच्छी थी, उसने हेल्प की, बट लेट हो गया लिटरली 1 सेकेंड के लिए। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लकीली एक दूसरी ट्रेन आ रही है जो टोक्यो जा रही है, जो बीच में हम लोग को टकाओका छोड़ सकती है। 158 की है 20 मिनट के बाद। मैं इधर से किधर नहीं जा रही हूँ अभी। ये है हमारी शिनकानसेन जो हमें लेके जाएगी शिन-टकाओका। ओनली 15-20 मिनट्स की जर्नी है शिन-टकाओका के लिए। ये बुलेट ट्रेन हमें इतने फास्ट लेके जाने वाली है। हम लोग आ गए हैं डोरेमोन के पार्क के इधर शिन-टकाओका में। ये देखो फुलजियान के कपड़े। मैं बड़ा ताकतवर, मैं बड़ा सुरीला, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं। देखो हमारा नोबिता ऑलरेडी दिखा, तेरा फेस दिखा। गाइस हम लोग आ गए हैं वो डोरेमोन नोबिता के पार्क के इधर। जैसे लग रहा है मुझे बहुत सही लग रहा है। कांट बिलीव मैंने इसको टीवी पे देखा है कितने बार, और फाइनली ये रियल लाइफ में। ट्रिप का सबसे हाईलाइट ये है। तेरे पॉकेट में क्या है रे? पॉकेट में किसका जरा? पॉकेट में कुछ नहीं है। पॉकेट में कुछ नहीं बोलता है ये घंटी इसकी। रोबी तो रो क्यों नहीं है? मैंने समझ नहीं। तू हंसता कैसे है? डोरेमोन डोरेमोन रोना रोना। अरे बट जियान नोबिता को मारता है। जियान नोबिता। मैं जियान हूँ। मेरी अंदर की उर्मिला जा नहीं रही है बचपन की। अभी जियान से मिलते हैं। जियान जियान से मिल रहा है। जियान मैं हूँ इतना मोटा। क्या कर रही है उर्मिला? शिजुका। अरे जियान को कब से शिजुका पसंद आने लगे? अरे मुझे आती है। मुझे कभी नहीं लगा मैं इसको मिलूंगी। ये कितनी छोटी है शिजुका तेरे सामने। क्या कर रही है? ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सबसे चेरी ऑन द केक है जापान ट्रिप का। इनको आके ऐसे रियल में देखना, हाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही पार्क के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग का शूट हो गया। सब लोग ने हमको देखा, मेरे साथ किसी ने फोटो निकाला और सब लोग हमको स्टेयर कर रहे हैं। बट इट वाज वर्थ इट। मजा आया, मजा आया, मजा आया। अभी हम शिन-तकाओका से टोक्यो जा रहे हैं बुलेट ट्रेन से, और इस बार हमने की है बुलेट ट्रेन की बिजनेस क्लास टिकट एक्सपीरियंस के लिए। तुझे पता है क्या, इधर हाथ रख साबुन आएगा। अल्लाह साबुन आ गया, इधर हाथ रखा, इधर पानी, पानी आ गया। अब इधर हाथ रख। अल्लाह इधर हमने हमारा लगेज देखो यहाँ पे रखा नहीं। हाँ। इधर दरवाजा स्कूल में डायरेक्ट हाथ रखने का। खाने में हमने इंडियन फूड पार्सल लिया है एंड इट लुक्स सो यम। रात के 11 बजे हम टोक्यो पहुंच गए और उसके बाद हमने हमारे होटल रूम में चेक इन किया। जिस रूम के दरवाजे इतने बाजू में हो, आप सोच लो रूम कितना छोटा होगा। देखो शुरू होते ही खत्म होने वाला है। ये डाला की कार्ड, ये देखो एंट्री किया और रूम खत्म। इनको वॉशरूम तो दिया है इन लोगों ने, नॉट बैड। तो ये हम लोग इधर 2 नाइट्स है, सो गुड लक टू अस। मैं इतना 6 फुट 4 इंच का आदमी इसमें फिट कैसे होने वाला हूँ। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू एंजॉयड। लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टाटा बाय बाय।